मैदानावर बागेश्वर सरकार यांचं रामायण कथेचं आयोजन केलं जात आहे। हजारोच्या संख्येने भगवान बागेश्वर यांच्या दर्शनासाठी देशभरातून भक्तगण नागपूरला पोहोचले आहे। त्यांच्या मुखातून रामकथा ऐकण्याकरिता भक्तांची आतुरता ओसाडून वाहत आहे। आज त्यांचा दिव्य दरबार लावण्यात आला। या दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील बागेश्वर सरकारच्या दिव्य दरबारात आपली उपस्थिती दर्शवली। आजच्या या दिव्य दरबारात बागेश्वर सरकारने बऱ्याच भक्तांच्या समस्यांचे निवारण करून उपस्थित भक्तांना आश्चर्यचकित करून सोडले। आज हे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर हम बालाजी जिनका दर्शन लेने हेतु में यहाँ पर पहुंचा और हमारे शास्त्री जी जो प्रभु श्रीराम जी की कथा हम तक पहुंचाते हैं और इस कथा के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद भी देते हैं और उनका भी दर्शन करने का लाभ यहाँ पर मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभु श्रीराम जी ये हमारे लिए केवल ईश्वर नहीं